हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड जिसका नाम है कार्ट्रेड। कार्ट्रेड टेक्नोलॉजी या कार्ट्रेड टेक के नाम से जाना जाता है। करती क्या है, बिजनेस प्लान्स क्या है, एज वेल एज यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न इसका देखें तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर गिरता जा रहा है। लास्ट टाइम भी ये 4% के आसपास गिरा है। क्या अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या छोड़ देना चाहिए, या क्या करना चाहिए एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर शेयर के साथ, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियोज आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें, आज की डेट में एक वीडियो आ चुकी है चार्ट ऑफ द वीक के नाम से, जिसमें यहाँ पर हमने बात करी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, बट हम नेगेटिव पॉइंट्स को साइड में रख देते हैं तो यहाँ पर ये शेयर अच्छा खासा आपको भागता हुआ दिखाई देगा। और नेगेटिव पॉइंट्स को भी यहाँ पर मैंने कवर किया है, तो इस चीज को भी जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइन शेयर पे खुद की स्टडी करनी है और इसके लिए वीडियोस देखनी है। वीडियोस देखिए, कोई कॉस्ट नहीं है, किसी तरीके के पैसे नहीं लिए जाते, किसी तरीके का ज्वाइन बटन नहीं है। सिंपली गो थ्रू करिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हर एक वीडियो को जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जाके डेफिनेटली देख लीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले कार्ट्रेड करता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वी आर मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म विद कवरेज एंड प्रेजेंस अक्रॉस व्हीकल टाइप्स एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज, मतलब व्हीकल्स और उसमें जो सर्विसेज होती है उससे रिलेटेड उसमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। आर प्लेटफॉर्म ऑपरेट्स अंडर सेवरल ब्रांड्स लाइक, यहाँ पर अगर हम बात करें इनके ये सारे के सारे ब्रांड ब्रांड्स है, कार वाला, बाइक वाला, कार ट्रेड और श्रीराम ऑटोमॉल और यहाँ पर एड्रॉइट ऑटो। और यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं, थ्रू दीज प्लेटफॉर्म वी अनेबल न्यू एंड यूज्ड ऑटो व्हीकल्स कस्टमर, मतलब यहाँ पर पुराने व्हीकल्स बेचे भी जाते हैं और नए भी बेचे जाते हैं और खरीदे भी जाते हैं, इस तरीके की डील्स यहाँ पर की जाती है। व्हीकल्स डीलरशिप व्हीकल ओईएम्स एंड अदर बिजनेस टू बाई एंड सेल देयर व्हीकल्स इन अ सिंपल एंड एफिशियंट मैनर। आर विजन इज टू क्रिएट ऑटोमोटिव डिजिटल इकोसिस्टम विच कनेक्ट्स ऑटोमोबाइल कस्टमर्स OEMs, डीलर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो समझ रहे में आ रहा है, यहाँ पर केवल गाड़ियों का बिजनेस नहीं किया जा रहा, गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं लाइक OEMs जो उसके पार्ट से रिलेटेड, एज वेल एज उसके डीलर से रिलेटेड, यहाँ पर बैंक्स मतलब इंश्योरेंस वगैरह जो लिया जाएगा उससे रिलेटेड, यहाँ पर कंपनी और बैंक यहाँ पर लोन देगी उससे रिलेटेड एंड अदर स्टेक होल्डर मतलब अलग चीजों के रिलेटेड यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं केवल सिंपली आपको यहाँ पर कार ही नहीं बेची जा रही, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको उसके साथ में यहाँ पर बेची जा रही है, लोन दिलाया जा रहा है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको कार लेनी है, कार के साथ में इंश्योरेंस लेना है, आपको उसके उसका लोन लेना है उससे रिलेटेड, या अगर कोई ओईएम से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर देखे तो देखिए, यहाँ पर यूज कार और न्यू कार के नाम से यहाँ पर दो ऑप्शन है। यहाँ पर सिलेक्ट अपने स्टेट्स एंड अपनी सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एक्सप्लोर करना है, रेंज आपकी जितनी रेंज है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अगर देखिए सिटीज, प्राइस, ब्रांड वगैरह, किस ब्रांड की आपको कार चाहिए या जो भी व्हीकल्स चाहिए उससे रिलेटेड कार ट्रेड सर्टिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है, प्राइस वगैरह, ईएमआई कैलकुलेशन आपको करनी है उससे रिलेटेड, कार लोन यहाँ पर देखिए, कार की वीडियोस यहाँ पर दे रखी है, कार लोन का यहाँ पर देखिए, कार लोन सेल कार यहाँ पर ये सब चीजें अगर आपको सेल करनी है कार उससे रिलेटेड, और यहाँ पर देखिए पॉपुलर यूज कार बाई प्राइस यहाँ पर सब कुछ दे रखी है, जो कि यूज कार है मतलब कोई आप खरीदना चाहते हैं, कोई सी यूज कार को नई कार खरीदना चाहते हैं तो नई कार, और उनके ब्रांड के साथ साथ यहाँ पर सारी कार के बारे में आप जान सकते हैं ऑन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन स्टेट एंड ओन सिटी। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल, यहाँ पर लग्जरी कार, यहाँ पर सब चीज, न्यू लेनी है न्यू लीजिए, यहाँ पर मतलब आपको जिस तरीके की भी कार चाहिए यहाँ पर आके आपकी कार की डेस्टिनी यहाँ पर आके खत्म हो जाती है, मतलब यहाँ पर क्लिक करें किसी एक पर्टिकुलर कार पे और वहां पर जाके आप जो भी पर्टिकुलर चीज आप जानना चाहते हैं वो आपको मिलती हुई नजर आ जाएगी। ईएमआई जो सब कुछ सर्विसेज यहाँ पर आपको ऑल ओवर सर्विसेज मिलती हुई नजर आएगी। और इसके साथ में यहाँ पर इनका जो एक बिजनेस है, एक और बिजनेस है वो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट आ रही है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है सबका सब एडवर्टाइजमेंट का पैसा किसे मिल रहा है, इसी कंपनी को मिल रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा यहाँ पर अच्छी खासी श्रीराम से, अब देखिए यहाँ पर इसे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलाने की ऑब्वियसली बात है पैसे मिल रहे होंगे। यहाँ पर देखिए HDFC यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर इसे पैसे मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनी है,
ओके 6076 करोड़ रुपए का यूनिकॉर्न कंपनी बनती हुई नजर आई अभी है। बुक वैल्यू की बात करें 360 की बुक वैल्यू और शेयर अभी 1300 रुपए के आसपास, स्टॉक प्राइस 76, पीएपी की बात करें 76, मतलब थोड़ा महंगा नजर आ रहा है, बट यहाँ पर महंगा नहीं, यहाँ पर कंपनी क्या काम करती हुई नजर आती है, किसी से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है उस चीज में मैटर करता है। डेट की बात करें डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेज नहीं है, ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएंगे तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये शेयर फिर गोली होता हुआ नजर आएगा और भागता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पे तो इट इज द सोल कंपनी इन इट्स ओन पीयर जो कि मार्केट में लिस्ट नहीं है बट मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें ये ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर प्रॉफिटेबल चल रही है, मतलब इट इज अ सोल कंपनी जो कि प्रॉफिट में है। सेल्स यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, ईयरली क्वार्टर एक ईयरली बेसिस पे 23 करोड़ 25 29 120। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स सब कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है, नेट प्रॉफिट घाटे से प्रॉफिट में यहाँ पर आ गया है, रिजर्व यहाँ पर कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, डेट फ्री कंपनी लगभग 5 करोड़ का ही कह जाए, ज्यादा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी का इन्वेस्टमेंट 767 करोड़ रुपीस का है, कैश की बात करें 13 करोड़ का कैश है और जो भी पैसा आता है इनकी बुक में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके तो छोटी कंपनी है, अभी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न तक नहीं आया है, बट अभी कंपनी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है एंड नाउ आई एम इट्स अगर बात करें यहाँ पर इट सीम्स टू बी कि ये शेयर अब भागता हुआ नजर आएगा। क्यों, यहाँ पर अगर हम बात करें एक बेहतरीन लेवल पर ये शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, 1325 रुपए पे ये शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, पहले हमने ये बताया था तब भागा भी था, उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी। ये शेयर बात करें तो अच्छा खासा अपने ऑल टाइम हाई से हम अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं तो लगभग ये शेयर कितना लगभग 20% के आसपास ये शेयर यहाँ पर प्लंज होता हुआ नजर आता है, गिरता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये शेयर देखिए यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर शोल्डर बनाया, ये हेड बनाएगा और फिर उसके बाद निकल के ऊपर ले जाएगा। देखिए कुछ टाइम पहले इसी तरीके का एक शेयर और आया था, लास्ट ईयर की बात करूँ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैम्प्स की, यहाँ पर आपके सामने ये चार्ट पैटर्न है, थोड़ा सा मैं आपको इसके ऊपर ला के दिखा देता हूँ। तो देखिए इसी तरीके का ये शेयर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था और आने के बाद ये शेयर देखिए थोड़े बहुत टाइम तक अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो आया था, थोड़ा भागा फिर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था, बट उसके बाद से ये जो चलना शुरू किया तो इसने अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। यहाँ पर ये 1200 रुपए का शेयर यहाँ पर 3700 3800 रुपए और 4000 रुपए टच होता हुआ दिखाई दिया था। तो सेम अगर हम बात करें यहाँ पर कार ट्रेड की तो कार ट्रेड में भी मुझे सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर शेयर की और एक बेहतरीन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना आरएसआई के बेस पे, क्योंकि काफी चीजें आरएसआई के ऊपर भी मैटर करती है, तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 32 के आरएसआई पे पहुंच गया है। एक डायरेक्ट नहीं कहूंगा कि क्या कहते हैं आप आंख बंद करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिएगा, बट अगर मैं आपको बताऊं तो इससे जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है अगर आप 10 शेयर लेना चाहते हैं, दो शेयर का ट्राई करके यहाँ पर देखिए, दो शेयर यहाँ पर इस लेवल पर बाई करके देखिए तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा और प्लंज होके 1300 रुपए के लेवल से ये शायद घूमता हुआ नजर आएगा और पहला टारगेट 1600 रुपए, फिर उसके बाद यहाँ पर और भागता हुआ नजर आएगा और हमें एक अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट जिस तरीके से बुल रैली में चल रही है और आगे चलती रहेगी, इंडिया की तरक्की ऑब्वियसली बातें होने वाली है, इंडिया इज गोइंग टू बी ग्रो मोर एंड मोर एंड मोर अगर बात करें तो उसमें यहाँ पर इसकी ये भी एक पर्टिकुलर शेयर है भागता हुआ नजर आएगा अच्छे खासे लेवल पर। अलग डिफरेंट शेयर है मार्केट में, इस तरीके का शेयर लिस्ट भी नहीं है और यहाँ पर ऐसी चीजों को थोड़ा सा गिरा के ऑपरेटर्स एंड ऑल सब खेल खेल के यहाँ पर शेयर को ऊपर ले ही जाते हैं, वहाँ बहुत सारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स यहाँ पर अटके होंगे तो इस लेवल पर जाना ही जाना है इस शेयर को। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग से काम करके थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट 10 शेयर लेने, एक शेयर फिर और थोड़ा नीचे गिरता है तो एक शेयर एक एवरेज प्राइस आएगा और जब शेयर मूव करना शुरू करेगा इट विल शूट, अगर बात करें शूट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है बट यहाँ पर इस लेवल पर ये शेयर मुझे अच्छा खासा लग रहा है क्योंकि अच्छा खासा लेवल पर आ गया, शायद 10-20-30 रुपए और टूट सकता है बट यहाँ पर घबराना नहीं है, यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस बनता हुआ नजर आएगा एक एवरेज। और यहाँ पर शेयर भाग यहाँ पर देखिए 20% के सीएजीआर से 5 साल में कंपनी यहाँ पर ग्रो भी करती हुई नजर आ रही है। तो इस सारी की सारी चीजें आपको देखनी होगी यहाँ पर और एक बार इसके रिजल्ट आ जाए उस टाइम तो यहाँ पर सोने पे सुहागा हो जाएगा, एक बार इसके फाइनेंशियल्स पता चल जाएंगे उसके बाद शेयर किस तरीके से बिहेव करेगा और अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना है कमेंट करना है, यहाँ पर दूसरे वीडियोज को जाकर देखना है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।